डीआई में इसके बाद जरूरत जो पड़ता है वो फ्रैक्शनल रूल का, किस चीज का जरूरत पड़ेगा, फ्रैक्शनल रूल का। क्लियर है सर? क्योंकि फ्रैक्शन रूल के बिना देखो डीआई अब हार्ड जो होता है, आपने बेसिक थ्योरी पढ़ा, बेसिक थ्योरी पढ़ने के बाद जब डीआई हार्ड होता है तो दो ही केस से हार्ड होता है, एक तो डिवीजन का केस होता है, एक फ्रैक्शन रूल होता है, और ये दो चीज पर पकड़ हो जाए तो डीआई बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये दो चीज पर रियल, क्योंकि जादू से नहीं चलेगा, क्योंकि जादू से होता है ना, जैसे ऑप्शन से लोग छांटने की कला सीखता है, प्लस 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 वाला खेल सीखता है, ये सब बहुत पुराना हो गया दोस्त, आज का खेल नहीं है, 2000 का खेल है ये, हम लोग 2000 में यूज करते थे ये सब चीज, लेकिन 2002 के बाद मैंने देखा कि खास करके बैंक के एग्जामिनेशन में, यो प्लस वाला केस जो आजकल ज्यादा जादू दिखाता है, क्या दिखाता है, जैसे सपोज करो स्क्वायर पूछता था हम लोग के समय में, तो हम लोग कहते 6342 का स्क्वायर, तो लोग करते क्या था, इसमें करता क्या था, इसको सम कर देता था, तो 6399 जैसे आया तो इसको हटा दो, बचा क्या 426, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 हुआ तो फिर से क्या होगा, ये 9 हो गया, ऐड कर दिया। अब कहता ऑप्शन खोजो, ऑप्शन में किसका सम 9 हो जाए, जिसका सम 9 हो जाए और लास्ट में 4 हो, क्लिक कर दो। ये सब तरीका, ये सब ट्रिक जब बताता हूं तो बहुत ही आकर्षण का केंद्र बनता है, लेकिन दोस्त आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो देखा गया कि दो दो ऑप्शन आ जाता है, आप तो जिस ऑप्शन को देखोगे उसमें आ गया 9, क्लिक करके निकल जाओगे। आप भगवान का ज्यादा पूजा किया होगा तो आपका सही हो जाएगा, नहीं पूजा किया है तो फिर आपका गलत भी हो जाएगी। तो इसी कारण दोस्त आजकल जो हो रही है ना, आजकल एक्यूरेट वैल्यू पर ज्यादा फोकस हो रही है, क्यों, तो भीड़ बढ़ रही है, ये छोटी छोटी टेक्निक, छोटी छोटी कला अधिकांश लोग जानते हैं, आजकल जो पूछ रहा है वो बेसिक नॉलेज आपका एक्यूरेट सही है कि नहीं, इस पर ज्यादा फोकस है। तो अब डीआई में देखो दो ही केस से हार्ड होती है, एक फ्रैक्शनल रूल से हार्ड होती है और एक डिविजन से हार्ड होती है, तो मैं आज फ्रैक्शनल रूल पर फोकस करूंगा, इस पर किस तरह से सवाल आता है वो दिखाऊंगा। जैसे सपोज को सबसे पहले फ्रैक्शन बड़ा छोटा आपको चेक करना पड़ेगा, फ्रैक्शन क्या चेक करना पड़ेगा, छोटा बड़ा, तो छोटा बड़ा के लिए आप छोटा छोटा फ्रैक्शन चेक करने के लिए सीख चुके होंगे, जैसे सपोज करो 3/5 है, 7/9 है, 11/15 है, 2/5 है, अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए कोई एलसीएम तेलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, कोई पॉइंट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है दोस्त, डायरेक्ट देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम दिमाग में सेट करो, यदि ये सेट हो गया तो बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन हमको डीआई में इतना छोटा फ्रैक्शन का चेक करने का नाक के बराबर यूज होता है, डीआई में बड़ा बड़ा पार्ट आता है, तो लेकिन यह भी एक पॉइंट है, यह भी एक है कंडीशन, इस कंडीशन को भी हम लोग सीख लेते हैं। देख बेटा 9/3 क्या होता है, 9/3 = 27, 5/7 = अब बता इन दोनों में कौन बड़ा है, 35 बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, हमको सबसे बड़ा लेना है मान लो। अब देखो 9/11 क्या होगा, 99, 15/7 क्या होगा, इन दोनों में कौन बड़ा है, 105 बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा हो गया, ये बड़ा है। अब इन दोनों की बात करें क्या होगा, 35 ये क्या होगा 18, तो 35 बड़ा है तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, ये कहोगे सर सेकेंड लार्जेस्ट क्या होगा, पूछ सकते हो, तो देखो सबसे बड़ा तो ये हो गया, अब इन दोनों को चेक करना है, 15/3 क्या होता है 45, 11/5 क्या होगा 55, श्योर ये बड़ा हो जाएगा। अब इन दोनों की बात करें 55/30, सेकेंड लार्जेस्ट ये हो गया, हुआ कि नहीं, थर्ड लार्जेस्ट की बात करते हैं, 5/3 = 15, 5/2 = 10, थर्ड लार्जेस्ट ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, आराम से जवाब दे सकते हो कि नहीं, आराम से ये जवाब दे सकते हो कि नहीं, तो क्लियर हुआ पॉइंट। लेकिन डीआई में इनकी खास जरूरत नहीं पड़ती है, डीआई में बड़ा बड़ा पार्ट होता है, लेकिन ये भी सीखना जरूरी था तो मैंने आपको सिखाया, ये क्लियर हुआ सबका, समझ में आ गया, तो क्या समझा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे 9/3 = 27 है, 7/5 = 35 है, तो 27 से 35 बड़ा हो गया, इसका मतलब हुआ ये फ्रैक्शन बड़ा होगा ये छोटा होगा। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट दोस्त दे रहा है यहां पर, जैसे सपोज करो 812/137 और 826/139, इसमें पूछ दिया कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, मान लो इसमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये आपसे पूछ रहा है, कुछ मत कर ध्यान से सुन,
एक पहले बेस फ्रैक्शन मान लो, बेस फ्रैक्शन उसको मानना जहां से न्यूमरेटर भी इंक्रीज हो और डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हो, अंश में भी वृद्धि हो हर में भी वृद्धि हो, दोनों जो वृद्धि हो वो तुम्हारा बेस फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहां से न्यूमरेटर भी इंक्रीज कर रहा है, यहां से डिनोमिनेटर भी इंक्रीज कर रहा है, दोनों इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये तुम्हारा बेस फ्रैक्शन हो गया, आधार हो गया जहां से तुम चलना शुरू किया। क्लियर है पॉइंट? अब देखो सेकेंड पार्ट, चेक क्या करना है, इसका न्यूमरेटर अंश इसमें कितना वृद्धि हुआ है, 812 है 826 है, कितना वृद्धि हुआ, 14 लिख सकते हो ना। अब चल इसमें कितना वृद्धि हुआ, 2, तो इंक्रीजिंग फ्रैक्शन 7 बन गया, 14/2 को 7 कर सकते हो ना, इंक्रीजिंग फ्रैक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फ्रैक्शन रहेगा, कारण यदि डिक्रीज हुआ दोनों तो राइट साइड से चल लेना, बेस से तो हमेशा वृद्धि होगा, हम आपको कहा बेस उसको मानना जहां से न्यूमरेटर भी इंक्रीज हो और डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हो। क्लियर है पॉइंट? तो तुम्हारा बेस फ्रैक्शन ये है और यहां से जो इंक्रीजिंग रेशियो है 14/2 है, 14/2 को क्या लिखोगे दोस्त, 7, 14/2 को क्या लिखोगे 7। अब इसको देखो ये लगभग कितना हो रहा है, यदि 812 में 137 भाग नहीं देना है, देखना है लगभग क्या होगा, तो आपको क्या देखा 7 लगेगा, कभी नहीं, क्योंकि 37 जा 91 होता है, तो लगभग 6 जा, लगभग 6 जा या 6 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो यार, उससे कोई मतलब नहीं है, अप्रोक्स 6 जा और ये क्या हो रहा है 7 जा। अब बताओ बेस बड़ा कि इंक्रीजिंग रेशियो बड़ा, बेस बड़ा कि इंक्रीजिंग रेशियो बड़ा, इंक्रीजिंग रेशियो बड़ा हुआ, इसका मतलब हुआ बेस से इंक्रीजिंग रेशियो बड़ा है, इंक्रीजिंग रेशियो बड़ा डिनोट कर रहा है कि बाद वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा और बेस छोटा हो जाएगा, तो यहां ये फ्रैक्शन बड़ा है और ये छोटा है। क्लियर हुआ है पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है? तो जल्द से जल्द एक क्वेश्चन बनाकर दिखाओ इस पर, फिर इसका यूज दिखाऊंगे कैसे यूज करेंगे इसका। एट टू सेवन बाय 137, 810 अपॉन 125, 817 अपॉन 128। इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो देख बेटा ध्यान से सुन, ये दो फ्रैक्शन है तेरे पास, ये दो फ्रैक्शन है, पहले इन दोनों में पहले चेक कर ले कौन बड़ा है कौन छोटा है, बेस फ्रैक्शन तेरा ये है, जब बेस फ्रैक्शन ये है दोस्त तो यहां से कितना इंक्रीज किया, यहां से न्यूमरेटर इंक्रीज किया ना कितना, +17। मैंने क्या कहा बेस किसको मानने के लिए, जहां से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ इंक्रीज हो रहा है, दोनों बढ़ रहा है, दोनों इंक्रीज कर रहा है। देखो डिनोमिनेटर 125 है, ये 137 हो गया, कितना इंक्रीज किया 12, तो इंक्रीजिंग रेशियो तुम्हारा बेटा क्या बन गया 17/12, ये बेस है और इंक्रीजिंग रेशियो क्या बन गया 17/12। क्लियर है पॉइंट? अब बताओ बेस लगभग 6 जा, बेस लगभग 6 जा, नहीं करोगे डिवाइड, 12 6 जा 7 जा लगेगा, नहीं लगेगा, अप्रोक्स 6 जा है और इंक्रीजिंग रेशियो जो बना है 17/12 ये 1 पॉइंट समथिंग हो रहा है, ये क्या दिख रहा है 1 पॉइंट समथिंग। क्लियर है पॉइंट? तो 1 बड़ा के 6 बड़ा, 6 बड़ा है, 6 बड़ा है बेटा, तो ये फ्रैक्शन क्या हो गया बड़ा और ये फ्रैक्शन हो गया छोटा, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा हो गया। पॉइंट क्लियर है? अब देखो सबसे बड़ा फ्रैक्शन चेक करना था तो इन दोनों की बात करेंगे, अब इन दोनों की बात करेंगे तो यहां न्यूमरेटर कितना इंक्रीज किया, अब बेस यही होगा ना, क्यों बेस होगा यहां, तो यहां से न्यूमरेटर भी इंक्रीज कर रहा है और डिनोमिनेटर भी इंक्रीज कर रहा है, यहां से अंश में भी वृद्धि हो रहा है और हर में भी वृद्धि हो रहा है, अब बताओ कि अंश में कितना वृद्धि हुआ यहां +7, हर में कितना वृद्धि हुआ +3, तो क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग,
टू पॉइंट समथिंग, बट ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा जी सिक्सा, इंक्रीजिंग रेशियो क्या हुआ छोटा, इंक्रीजिंग रेशियो क्या होगा छोटा, इसका मतलब ये फ्रैक्शन छोटा है ये बड़ा है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन को चेक करना होता तो 1810 बाय 125 सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्त समझ में आया होगा। चलो एक छोटा सा चेक करके देखते हैं, अभी तुम्हारे मन में आता होगा बहुत लोग, क्योंकि आप लोग कहां सोचते हो ज्यादा यार, एक वृद्धि हो जाए एक कम हो जाए तो क्या करेंगे, पेशेंस रख, पहले जो पॉइंट बड़ा उसको कर, वो बहुत ही आसान है। अब देख दे देगा 827 बाय 137, 817 बाय 128, क्लियर है। अब इन दोनों फ्रैक्शन में देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है, चेक कर यहां से न्यूमरेटर कितना वृद्धि हुआ, क्योंकि आप बेस तो ये होगा ना, यहां से इंक्रीज कर रहा है तो कितना हो जाएगा बेटा 10। डिनोमिनेटर कितना वृद्धि होगा, डिनोमिनेटर में कितना वृद्धि होगा 28, 137 क्या होगा 9, तो 9 इसका मीनिंग क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया 10/9 मतलब 1 point something, लेकिन बेस क्या है, बेस क्या है 6 जा 6 बड़ा की 1 बड़ा 6 बड़ा, मींस ये फ्रैक्शन तुम्हारा बड़ा होगा और ये तेरा छोटा होगा, इसका मीनिंग इन दोनों में बड़ा कौन हुआ ये। तो आप कहेगा तीनों में सबसे बड़ा कौन हुआ, फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये, सबसे छोटा कौन हुआ ये हो गया। क्या उम्मीद करूं कि ये चीज क्लियर हुआ पॉइंट सभी का, तो चलो देख लेना फिर से इसको। चलो एक बनाकर देखो फिर से, दिया हुआ 826 अपॉन 136 और 826 बाय 138 दे दो, 853 बाय 136। अब इन दोनों में चेक करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ध्यान से सुनो ये बहुत ही आसान हुआ, ये सब देखने के साथ ही आप जवाब दोगे कैसे। अभी मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का केस समझाया आपको, क्या समझाया, इन दोनों को इंटू करके यहां लिखोगे, बताया था सर, और इन दोनों को इंटू करके यहां लिखोगे। अब देखो इससे बड़ा ये और इससे भी बड़ा ये है ना, तो श्योर ये मल्टीपल बड़ा होगा ना, इसका मीनिंग क्या होगा, ये बड़ा फ्रैक्शन होगा ये छोटा होगा, कोई इंटू करने की जरूरत पड़ेगा, कैसे चेक करोगे यार, ये इंक्रीज कर रहा है ये डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग रेशियो नहीं बना। अभी जो केस सीखे वो केस नहीं चलेगा यहां, वो कब चलेगा जब न्यूमरेटर भी इंक्रीज हो और डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हो, देन वो केस सही है, यहां पर वो केस नहीं चलेगा। फिर क्या करोगे बेटा, तो मैंने देखा ये इंक्रीज क्या और ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है ये डिक्रीज हो रहा है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये दोनों मल्टीपल यहां होगा, ये दोनों मल्टीपल यहां होगा, दोनों बड़ा वाला पार्ट का मल्टीपल यहां पर हो रहा है, मीन्स ये फ्रैक्शन बड़ा और ये फ्रैक्शन छोटा, क्लियर हुआ पॉइंट। जिस तरह से आपको मान लो दे देगा 826 बाय 138 और एक दे दिया 812 बाय 141, करने की जरूरत है, अब दिख जाएगा ना कि ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, बस यही तीन केस है। तीन केस को ठीक से समझ में आ गया तो डीआई में बहुत ही हेल्प करेगा ये, क्योंकि कैलकुलेशन बार बार दोस्त मैं कर रहा हूं बताऊंगा, हार्ड हार्ड से सवाल बताऊंगा, सारा डिस्कस करूंगा। आज लगभग मैं थ्योरी खत्म करने की कोशिश करूंगा, एक पाई चार्ट का थ्योरी बचेगा वो पाई चार्ट का भी थ्योरी दे दूंगा। थ्योरी के बाद मेरा काम क्या होगा कि जितने भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, जितने भी एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन आप लोग हार्ड करते हो, चाहे एसबीआई का क्वेश्चन पूछा हो, चाहे आईबीपीएस का, इस बार का डीआई हो, तमाम डीआई को आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगा, दिखाऊंगा कि कैसे मेरे ये रूल आप सीख जाते हो तो इस रूल का कैसे हम यूज करेंगे। यूज करना सीख गया तो डीआई खेल है, तब तक हार्ड है जब तक तू बनाना जानता नहीं है, तुम जानता नहीं है और कहोगे कैलकुलेशन बहुत हार्ड हुआ, नहीं दोस्त, हाँ कभी कभी कैलकुलेशन हार्ड होती है, ऐसी नहीं कहता, जब कंपेयर करनी होती है तो थोड़ा सा हार्ड लगती है, लेकिन फिर भी बहुत ही छोटा कर दूंगा सवाल को। तो चलो देखता हूं मैं अब इस पॉइंट पर सवाल किस तरह से आते हैं, उस सवाल को थोड़ा सा कुछ हम लोग देख लेते हैं, देन फिर डिविजन का केस देखेंगे, डिविजन के केस के बाद हम लोग टेबुलेशन का प्रैक्टिस करेंगे। एक छोटा सा सवाल है, सवाल दोस्त मैं डाटा सिर्फ लूंगा जिससे क्वेश्चन रहेगा, लेकिन सवाल भरा रहेगा, क्लियर। बुक की जहां तक बात है ये मेरा लिखा हुआ ही बुक है,
मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट किया था कि डाउनलोड कर लो, लेकिन अपलोड ही नहीं ये लोग ठीक से कर पाया, तो आज फिर से इसको अपलोड की जाएगी, तो आप लोग जरूर इसको कर लेना। इसके बाद क्योंकि ये बुक 2014 का लिखा हुआ है, तो 2009 का ही, लेकिन 2014 में इसका एक बार रिवीजन रिवाइज हुई थी। 14 में कोई खास रिवाइज नहीं हुई, 11 का ही रिवीजन है, लेकिन 11 में भी जितना चीज दे दिया तो अभी भी के एग्जाम के लायक बहुत कुछ है इसमें। इसके बाद जो न्यू मैंने डाला हूं, नया चीज देता हूं, तो उसका अलग से पीडीएफ आपको उसमें डाउनलोड कर देंगे। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, अपेयरिंग का डाटा है दोस्त, सक्सेसफुल स्टूडेंट का डाटा है, अपेयरिंग स्टूडेंट है, सक्सेसफुल है और ईयर है। जैसे 91 में अपेयरिंग दे रहा है 592, फिर दे दिया 812, अगेन दिया 826, 853, 895, 913, ये अपेयरिंग स्टूडेंट है 91, 92, 93, 94, 95, 96। अब इसमें सक्सेसफुल स्टूडेंट का डाटा, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जी? 114 यहां सक्सेस क्या, 137 यहां सक्सेस क्या, इसका 138 यहां सक्सेस क्या, 136 यहां सक्सेस क्या, 150 यहां सक्सेस क्या और 152 यहां सक्सेस क्या। ये दोस्त डाटा है, जो क्वेश्चन था क्वेश्चन का डाटा यही था। डाटा साथ साथ कॉलेज का है, सभी ईयर का है, लेकिन उसमें जो पूछा गया, मान लो कि इसी कॉलेज का पूछा गया जहां जिस कॉलेज का अपेयरिंग और सक्सेस का दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना, परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट रेस्पेक्ट विथ अपेयरिंग स्टूडेंट वाज लिस्ट इन व्हिच ईयर, सफल छात्रों का प्रतिशत उपस्थित छात्रों के सापेक्ष में सबसे कम किस ईयर में था। परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट रेस्पेक्ट विथ अपेयरिंग स्टूडेंट वाज लिस्ट इन व्हिच ईयर, सफल छात्रों का प्रतिशत उपस्थित छात्रों के सापेक्ष में सबसे कम किस ईयर में था। परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट रेस्पेक्ट विथ अपेयरिंग स्टूडेंट वाज लिस्ट इन व्हिच ईयर, सफल छात्रों का प्रतिशत उपस्थित छात्रों के सापेक्ष में सबसे कम किस ईयर में था। समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन क्या था? सफल छात्रों का प्रतिशत उपस्थित छात्रों के सापेक्ष में सबसे कम किस ईयर में था। अब देखो दोस्त, इसको बनाने के लिए तुम बैठ जाओगे, प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? पहले मान लो, सपोज करो, एक छोटा सा सवाल देता हूं कि 91 में सफल छात्रों का प्रतिशत उपस्थित छात्रों के सापेक्ष में कितना प्रतिशत था। मैंने सवाल को थोड़ा चेंज किया, क्या लिखा? परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट रेस्पेक्ट विथ अपेयरिंग स्टूडेंट, सफल छात्रों की प्रतिशत उपस्थित छात्रों के सापेक्ष में कितना परसेंट था, हाउ मेनी परसेंट। तो देखो दोस्त, क्या करोगे आप, क्या लिखोगे? 114, 91 का सक्सेसफुल स्टूडेंट अपॉन अपेयरिंग स्टूडेंट 592 इंटू 100, यही करोगे। चलो 91 का तुमने पूछा तो वहां तो कैलकुलेशन ये करना पड़ेगा, कर दिया, डिवीजन का यूज होगा, डिवीजन कर लेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन तुमसे पूछा क्या गया है कि सक्सेसफुल का परसेंटेज अपेयरिंग के सापेक्ष में किस ईयर सबसे कम था, किस ईयर सबसे कम था। अब बताओ कि सभी ईयर इस तरह से निकालने के लिए हम बैठ जाए तो संभव है एग्जामिनेशन निकालना? फिर तो कहोगे बेटा कि क्या क्वेश्चन बहुत हार्ड था, इतना लेंदी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। यही क्वेश्चन का जवाब होगा कि सभी ईयर का इस तरह से लिख लिख कर निकालेंगे, ये तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। जैसे बुक में दिया होता है, इसका भी निकालेगा पॉइंट में, इसका भी निकालेगा पॉइंट में। कभी कभी देखा गया है जब हार्ड होता है, जैसे एक बार देखने को मिला कि 63.24 हो रहा है, तो कहीं 63.57 भी ऑप्शन में है, कहीं 63. इस तरह से करके निकल रहा था, पॉइंट के बाद भी एक डिजिट कभी कभी सेम हो जाता है, तो प्रॉब्लम तो होगी। तो अब इसको बनाने के तरीका सीखो, कैसे हम बनाएंगे, कैसे सोचेंगे। यदि सोचने की तरीका ठीक से डेवलप कर लोगे, बहुत जल्द सवाल को बना लोगे। अब देख बेटा, सक्सेसफुल का परसेंटेज अपेयरिंग के रेस्पेक्ट में सबसे कम किस ईयर में था, कंडीशन तो यही होगा। तो एक चीज बताओ, ये तो हर जगह कॉमन है,
इसको लेकर चलना बेकार है। ये तुम्हारा हर जगह कॉमन था कि नहीं? इसको बुला लेते आने के लिए। क्लियर है पॉइंट? अब देखो तुम्हारा कंडीशन क्या हो रहा है, सक्सेसफुल बाय अपेयरिंग। क्या कंडीशन हो रहा है? सक्सेसफुल बाय अपेयरिंग। तो सक्सेसफुल बाय अपेयरिंग का फ्रैक्शन बन गया दोस्त, सक्सेसफुल बाय अपेयरिंग का फ्रैक्शन बन गया। अब ये फ्रैक्शन चेक करना होगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। क्लियर है? एक चीज और सोचो, तुमसे पूछा गया कि 23/7 है, 1/7/23 है, कैलकुलेशन करना कौन आसान होगा तुम्हारे लिए, ये कि ये? अच्छा कौन लगा, ये अच्छा लगेगा कि ये अच्छा लगेगा? ये अच्छा लगेगा ना, तुरंत कैलकुलेशन हो जाएगी। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई चीज कंपेयर करो, कोई चीज चेक करो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो हम कोशिश करेंगे यार सभी का डिनोमिनेटर छोटा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो, जिससे क्या होगा, डिवाइड करने के लिए आसान हो जाएगी, होगी ना? तो यानी हम क्या काम करेंगे कि नीचे वाला चीज क्या होना चाहिए, छोटा। ये क्लियर है? अब देखो सक्सेसफुल बाय अपेयरिंग करते हो, सक्सेसफुल बाय अपेयरिंग, बड़ा वाला पार्ट नीचे में, बड़ा वाला पार्ट नीचे में है, तो प्रॉब्लम तो होगी। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने की कला सीखते हैं। एक चीज बताना दोस्त, 3/5 बड़ा है कि 7/9, 7/8 बड़ा है, बताओ कौन बड़ा है? यहां पर 3/5 बड़ा है कि 7/8 बड़ा है? श्योर भैया, ये 24/35 ये बड़ा है, ये छोटा है। अब रिवर्स कर दो, 5/3, 8/7, अब कौन बड़ा हो गया? ये 35 हो गया, ये 24 हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, हो गया ना? तो मेरे ये देखने को क्या मिल रहा है कि फ्रैक्शन को रिवर्स करते हैं तो जो बड़ा फ्रैक्शन होता है वो छोटा बन जाता है, और जो छोटा होता है वह बड़ा बन जाता है। क्लियर जी? फ्रैक्शन को जो रिवर्स करते हैं तो जो बड़ा होता है वो छोटा बन जाता है, और जो छोटा होता है वो बड़ा बन जाता है। क्या यहां क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत इसमें? चलो जैसे 5 और 3 दोस्त, 5/3 में बड़ा कौन है? 5/3 में बड़ा कौन है? 5/3 छोटा है। रिवर्स कर, 1/5 1/3, अब कौन बड़ा हो गया? 1/3 हुआ ना, इतनी तो जानते हो। अब देख दोस्त तुमसे पूछा क्या गया है, सक्सेसफुल बाय अपेयरिंग, सक्सेसफुल का परसेंटेज अपेयरिंग के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज ये वाला पार्ट तो कैंसिल, ये मिनिमम कब होगा? ये क्या पूछ रहा है? मिनिमम। ये क्या पूछा तुमसे? मिनिमम। अब देखो दोस्त ये मिनिमम पूछा गया है, हम लोग सक्सेसफुल बाय अपेयरिंग मिनिमम पूछा गया, अपेयरिंग वाला पार्ट बड़ा है, क्या रिवर्स कर सकते हो? क्या रिवर्स कर सकते हैं क्या? तो हम क्या करेंगे, सक्सेसफुल बाय अपेयरिंग, और क्या खोजेंगे? ये मैक्सिमम। या क्या खोजना बेटा? ये मैक्सिमम। उम्मीद करें कि ये चीज क्लियर हो गया। क्या खोजेंगे इसको? मैक्सिमम। क्लियर है पॉइंट? तो अब देखो सक्सेसफुल बाय अपेयरिंग मैक्सिमम कर रहा है, तो क्या करोगे इसको? ये क्लियर हुआ सक्सेसफुल अपेयरिंग क्या पूछ रहा है तुमसे? मैक्सिमम। तो अब देखो दोस्त कुछ मत करना, यानी दिस अपॉन दिस मैक्सिमम खोजना है, फ्रैक्शन बन गया। एक बार मैं लिखकर बताऊं, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आपको कई सवाल बनवा के दिखाऊंगा। मैक्सिमम 2 फ्रैक्शन लिखना पड़ता है, बहुत ज्यादा हार्ड क्या, आज तक एग्जामिनेशन 3 बार लिखना, 3 फ्रैक्शन लिखना पड़ता है, और 3 फ्रैक्शन में कौन बड़ा कौन छोटा, ये यदि आप जल्द से जल्द रिजल्ट दे देते हो, जवाब दे दोगे। अब देखो यहां पर क्या फ्रैक्शन बना मेरा, 5/9/2/114, ये क्या खोजना है? बड़ा, बड़ा फ्रैक्शन खोजना है। देखो 8/12/137, मैं लिखकर बता रहा हूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी दिखाता हूं क्यों नहीं लिखने की जरूरत है, जब सीख जाओगे तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। 8/26/138, ये है 8/53/136, ये है 8/95/150, और ये है 9/13/152, यही केस है। अब देख ध्यान से, जब तुम इसकी बात करते हो तो अप्रोक्स 5 जा है, ये अप्रोक्स 5 जा है, बोर्ड पर ध्यान से देखो 5 जा, जब इसकी बात करते हैं तो ये लगभग 6 जा हो रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया ना। क्या खोजना है? बड़ा फ्रैक्शन। क्यों बड़ा खोजना है? मुझे सक्सेसफुल बाय अपेयरिंग लिस्ट पूछा, तो मैंने रिवर्स कर दिया, अपेयरिंग बाय सक्सेसफुल मैक्सिमम निकालेंगे। क्लियर है पॉइंट? अब देख बेटा ये भी सीख जा, ये भी सीख जा, लगभग ये भी लगभग सीख जा। तो अब देखो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने फ्रैक्शन के बारे में चेक किया तो देखने के लिए कि भैया न्यूमरेटर कितना इंक्रीज किया, 14,
न्यूमरेटर कितना इंक्रीज किया 14, डिनोमिनेटर कितना इंक्रीज किया 1, तो 14 बाय 1 14 हो गया ना, और ये 6 जा ही होगा ना, ये 6 जा से ज्यादा नहीं होगा जी, 7 जा 91 होता यार, कभी होगा? तो देखो 6 बड़ा कि 14 बड़ा, 14 बड़ा है, तो इस फ्रैक्शन से बड़ा फ्रैक्शन ये हो गया, इसको कैंसिल कर देना। अब इन दोनों की बात करते हैं, न्यूमरेटर इंक्रीज क्या, डिनोमिनेटर डिक्रीज क्या, श्योर ये वाला पार्ट बड़ा होगा ना, ये भी कैंसिल। अब इस फ्रैक्शन की कंपेयर करो तो ये तो कभी होगा नहीं, 6 जा नहीं हो रहा है, आइए 6 से बड़ा है, इतना तो दिख रहा है 6 से बड़ा है, उसको कैंसिल कर दिया। अब ये भी नहीं लेंगे, ये एक्यूरेट 6 जा हो रहा है, 912 एक्यूरेट 6 जा हो रहा है, अपने आप दिख जाएगा ये फ्रैक्शन बड़ा होगा, लेकिन कंफ्यूजन हुई, चेक कर लो, चेक कर लो, 136 913 बाय 152, इसको चेक करना है, ये कितना इंक्रीज किया, देख तो कितना इंक्रीज किया जी, 60, और नीचे वाला पार्ट 16, बताओ बेटा ये 4 जा भी हुआ नहीं, और ये क्या हो रहा है, मोर देन 6 जा, इसका मीनिंग क्या होगा, ये छोटा बड़ा फ्रैक्शन कौन हो गया, तो ये कौन सा डाटा है, 94, इसका मतलब क्या हुआ, 94 में सक्सेसफुल का परसेंटेज अपीयरिंग के रिस्पेक्ट में, सक्सेसफुल का परसेंटेज अपीयरिंग के रिस्पेक्ट में क्या होगा, लिस्ट होगा। क्या ये क्लियर हुआ पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर हुआ, तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट इतना लिखना पड़ेगा, सवाल ये उठता है दोस्त, एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ दिखाता है स्पीड का, कितना स्पीड से तुम बनाते हो, एग्जामिनेशन कभी ये नहीं दिखाता कैसे बनाते हो, स्पीड चाहिए। अब चलते हैं स्पीड के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो देखो दोस्त ये डाटा तो ग्राफ दिखेगा, दिखेगा दिमाग में सेट हो गया कि सक्सेसफुल का परसेंटेज अपीयरिंग के रेस्पेक्ट में लिस्ट कब होगा, परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट रेस्पेक्ट विथ अपीयरिंग स्टूडेंट वाज लिस्ट इन व्हिच ईयर, तो मैं क्या देखा, सक्सेसफुल का परसेंटेज अपीयरिंग के रेस्पेक्ट में लिस्ट पूछ रहा है, अपीयरिंग बाय सक्सेसफुल का फ्रैक्शन बना दो, मैक्सिमम देख लो, क्यों देखेंगे, रिवर्स किया, लिस्ट पूछेगा तो मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, तो दिस अपॉन दिस करते हैं, तो ये दिख रहा है यार 5 जा, ये 6 जा दिख रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बोर्ड पर लिखने की जो तो वो तो अपने आप दिखेगा आपको। अब देखो ये 6 जा, ये भी 6 जा है, तो इतना तो आपको दिख जाएगा, ये कितना इंक्रीज किया 14, कितना इंक्रीज किया ये 14, और ये कितना इंक्रीज कर रहा है 1, तो ये 6 जा हो रहा है, इंक्रीजिंग रेशियो 14 जा हो रहा है, मींस ये भी कैंसिल। अब यहां देखो न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो श्योर ये वाला मल्टीपल बड़ा होगा, ये मल्टीपल बड़ा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा है और ये छोटा है, क्लियर है पॉइंट। इसके बाद देखो ये तो 6 जा भी नहीं हो रहा है, ये लगभग 6 जा है, ये 6 से ज्यादा है, देख लो 6 जा लगभग क्यों कहते हैं, 912 होता है 6 जा, तो 6.0 समथिंग होगा, ये 6. समथिंग होगा, तो यही बड़ा होगा, फिर भी तुमको कंफ्यूजन लग रहा है, तो ये दो को चेक कर लो, न्यूमरेटर कितना इंक्रीज किया 60, डिनोमिनेटर कितना इंक्रीज किया 16, तो आपको क्या दिखा 4 जा, और ये क्या हो रहा है 6 जा, इसका मीनिंग क्या होगा, ये फ्रैक्शन छोटा है और ये फ्रैक्शन बड़ा है, तो सक्सेसफुल का परसेंटेज अपीयरिंग के रेस्पेक्ट में सबसे लिस्ट जो होगा वो तुम्हारा आंसर क्या होगा दोस्त, 94, वो आंसर क्या हो जाएगा 94। क्या क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी का, तो चलो एक क्वेश्चन जल्द से जल्द बनाकर दिखाओ, एट टू सेवन एट वन जीरो एट वन सेवन एट सेवन फाइव, ये दे दिया 91, ये दे दिया 92, ये दे दिया 93, ये दे दिया 94, ये दे दिया 95, ये दे दिया 96, और सक्सेसफुल का डाटा दिया हुआ है 132, यहाँ डाटा है 140, 137, 125, 128 और एक है 150। बस दो क्वेश्चन जल्द से जल्द बनाकर दिखा दो इस पर, एक तो परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट
परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट रेस्पेक्ट विथ अपेयरिंग स्टूडेंट वाज लिस्ट इन विच ईयर, सफल छात्रों का प्रतिशत उपस्थित छात्रों के सापेक्ष में, सफल छात्रों का प्रतिशत उपस्थित छात्रों के सापेक्ष में सबसे कम कब था? दूसरा क्वेश्चन इसी में लिखना, परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट रेस्पेक्ट विथ अपेयरिंग स्टूडेंट वाज मैक्सिमम इन विच ईयर, सफल छात्रों का प्रतिशत उपस्थित छात्रों के सापेक्ष में सबसे ज्यादा किस ईयर में था? देखो ध्यान से देखो, फिर से मैं बताता हूं, कुछ लोग जवाब दिए सुन लो, जो नहीं जवाब दे रहे हो अभी तक। सक्सेसफुल का परसेंटेज अपेयरिंग के रेस्पेक्ट में लिस्ट पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? सक्सेसफुल बाय अपेयरिंग पूछा गया है, अपेयरिंग बाय सक्सेसफुल मैक्सिमम निकाल दोगे। जब लिस्ट पूछा गया तो रिवर्स करके मैक्सिमम निकालोगे कि नहीं? क्लियर है पॉइंट? अब देखो, जब इसमें से इसको डिवाइड करोगे तो लगभग ये फाइव जा हो रहा है, उम्मीद करता हूं ये दिख रहा है सबको, सिक्स जा नहीं हो सकता है। सेकेंड फिर डिवाइड करते हैं तो ये भी लगभग फाइव जा ही दिख रहा है, दिख रहा है ना? अभी चेक नहीं करते हैं। अब देखो ये सिक्स जा दिख गया तो ऑटोमेटिक ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी सिक्स जा दिख रहा है, ये भी सिक्स जा दिख रहा है, और ये सिक्सा नहीं दिख रहा है। अभी तीन फ्रैक्शन में जो बड़ा होगा वही मेरा आंसर होगा। क्लियर है पॉइंट? अब देखो यहां से डिक्रीज कर रहा है बट यहां से इंक्रीज कर रहा है, तो न्यूमरेटर भी इंक्रीज और डिनोमिनेटर भी इंक्रीज, तो फिर क्या देखोगे? इंक्रीजिंग रेशियो। तो अब देखो न्यूमरेटर कितना इंक्रीज किया, तो देखा प्लस 17, डिनोमिनेटर कितना इंक्रीज किया तो प्लस 12, वन पॉइंट समथिंग, बट बेस कितना? सिक्स जा, बेस कितना? सिक्स जा। अब ये सिक्स जा हो रहा है और ये वन जा हो रहा है, इंक्रीजिंग रेशियो क्या हुआ तुम्हारा? छोटा। जब इंक्रीजिंग रेशियो छोटा होगा तो ये फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर? बड़ा फ्रैक्शन चेक कर लो। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है तो अब देखो यहां से यहां कितना इंक्रीज किया, तो देखा प्लस 7, और यहां से यहां कितना इंक्रीज किया? प्लस 3। यदि 7/3 की बात करते हो तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन ये क्या हो रहा है बेटा? सिक्स जा, बेस ये है ना, तो ये क्या हो रहा है? सिक्स जा। तो श्योर क्या होगा? बेस फ्रैक्शन बड़ा होगा, इंक्रीजिंग रेशियो छोटा हो गया, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? 94। तो 94 में क्या होगा? सक्सेसफुल का परसेंटेज अपेयरिंग के रेस्पेक्ट में सबसे कम होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? सेकेंड क्वेश्चन मैंने यहां पूछा कि परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट वाज मैक्सिमम इन व्हिच ईयर रेस्पेक्ट विद अपेयरिंग स्टूडेंट, उपस्थित छात्रों के सापेक्ष में सफल छात्रों के प्रतिशत सबसे ज्यादा किस ईयर में था? अब देखो ध्यान से दोस्त, क्या करोगे? सिक्स जा तो होगा नहीं, हमको करना क्या है? अपेयरिंग वाइज सक्सेसफुल। अब क्या करना है? मिनिमम छोटा लेना है, क्योंकि सक्सेसफुल बाय अपेयरिंग मैक्सिमम पूछा था। तो अब क्या करोगे? ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये तीन ईयर है मेरे पास, ये भी फाइव जा, ये भी फाइव जा। जब इन दोनों फ्रैक्शन को चेक करते हैं हम, तो ये लगभग कितना इंक्रीज करेगा? 86। न्यूमरेटर कितना इंक्रीज किया? 86। डिनोमिनेटर कितना इंक्रीज किया? 8। लगभग ये क्या होगा? 10 जा। इंक्रीजिंग रेशियो क्या होगा? 10 जा। ये क्या हो रहा है? 5 जा। तो हमको छोटा लेना है, तो 92 भी कैंसिल हो गया, ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, ये 6 के एक्यूरेट नियरेस्ट है, ये 5 के से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। फिर भी तुमको कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन नहीं, दोनों फ्रैक्शन को चेक कर ले, 7/3 8 है, 1/3 2 है, और ये क्या है? 8/7 5/1/5 0। अब इन दोनों फ्रैक्शन को चेक करना है दोस्त, तो इन दोनों फ्रैक्शन को चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर देखो कितना, जब मैंने न्यूमरेटर देखा तो 137, डिनोमिनेटर देखो कितना? लगभग 18, लगभग। तो क्या हो जाएगा दोस्त? ये लगभग 6, मोर देन 6 जा है, और ये बेचारा कितना है? ये कितना है? 5 जा। तो इंक्रीजिंग रेशियो बड़ा हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 91। 91 आपका आंसर हो गया। क्या ये फ्रैक्शन चेक करना सीखा? फ्रैक्शन चेक करना सीखा? इस पर कुछ सवाल बनाकर हम लोग देखते हैं, चलो लिखना। क्लियर हुआ भैया सबका कि नहीं हुआ? निकल सकते हैं आगे। चलो
बहुत सवाल है, यदि आपके पास मटेरियल होगा निकालो, मैं दिखाते चलता हूँ, बनते जाएगा। क्वेश्चन नंबर निकालना, जो यूट्यूब पर क्लास देख रहे हो आज आप लोग का अपलोड जरूर कर दूंगा ये बुक, निकाल लेना। अभी क्वेश्चन नंबर लिख कर थोड़ा देखो, मैं क्वेश्चन बोल दूंगा। आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही दे रहा हूँ पहले। देखो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 126, 126 आप लोग क्वेश्चन निकालो। करा अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई ओवर अपियर फ्रॉम ऑल द सिक्स स्टेट टुगेदर इन 2006। तो चलो ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट आप सम करके निकाल लोगे, इसको बाद में बताएंगे, पहले इस टेक्निक का जो यूज हो रहा है 128 में। 128 नंबर क्वेश्चन देखना, परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट अपियर इन 2004, किसका कह रहा है, क्वालिफाई बाय अपियर, किस ईयर की बात हो रही है, 2004, 2004 की। इज द हाइएस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कहता है मैक्सिमम कब होगा। तो मैं देख रहा हूँ अपियर की संख्या ज़्यादा होगा, क्वालिफाई का कम होगा, तो हमको निकालना क्या है, अपेयरिंग बाय क्वालिफाई मिनिमम। बस एक रिक्वेस्ट है दोस्त, देखने के साथ लिखना मत शुरू कर दो, ये जो आदत है ये नहीं छोड़ोगे स्पीड नहीं आएगा। सवाल पढ़ लिया, मैं डाटा लिख कर दिखाता हूँ, तुम लोग डाटा लिखना नहीं। अब अपेयरिंग बाय क्वालिफाई 2004 में लेना है, 2004 का जब मैंने देखा तो अपेयरिंग था 1630 और क्वालिफाइंग था 234, ये किस ए स्टेट का था। उसका बी में जो था तो बी में 1986 था और ये था 154, सी में 1806 था अपॉन 186 था। डी की बात करें तो डी में आपको 1478 अपॉन 138 है। जब ई की बात करें तो ई में 1654 है अपॉन 196 और एफ में 1644 182। दोस्त इतना लिखोगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, लिखना नहीं है आपको, ये डाटा तो दिखेगा, माइंड में सेट हो चुका क्या पूछा गया, माइंड में सेट हो चुका क्या पूछा गया कि क्वालिफाइंग का अपेयरिंग के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम पूछा, तो हम अपेयरिंग बाय क्वालिफाई मिनिमम निकालना है, अपेयरिंग हम ऊपर में लिखा और मिनिमम नीचे, ये तो ग्राफ में ही दिखेगा। तो मुझे कैसे देखना चाहिए, देखो लगभग ये 8 जा हो रहा है, 8 से थोड़ा कम ही होगा, 8 से कम होगा, 7 जा के आसपास होगा, 7 पॉइंट समथिंग, क्यों 2 जा 16 जरूर होता, लेकिन 23 है ना, इतना एज्यूम कर लोगे। चलो ये 7 पॉइंट समथिंग हो रहा है, इसमें देखो मोर देन 10 हो रहा है, हमको क्या देखना है, छोटा ना, अपीयरिंग में क्वालिफाई छोटा ना, तो बिना कुछ किए हुए ये नहीं कि पॉइंट में आप कैलकुलेशन निकाल करके फिर टाइम बर्बाद करो, जहाँ निकालना पड़ेगा वहाँ फ्रैक्शन रूल अपना लेंगे और क्या, बहुत होगा तो डिवीजन भी सिखाएंगे, बहुत हार्ड होगा तो क्या होगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट निकालना पड़ेगा। अब देख यहाँ पर ये भी लगभग 6 जा तो नहीं, तो 9 जा लग रहा है, 10 जा नहीं, 9 जा तो लगेगा, मोर देन 10, मोर देन 10, ये एक फ्रैक्शन कन्फ्यूजन किया और एक ये फ्रैक्शन कंफ्यूजन किया, ये 3 फ्रैक्शन है जिसको चेक करना है। अब देखो दोस्त इन दोनों की बात करें तो न्यूमरेटर इंक्रीज किया बट डिनोमिनेटर क्या होगा, डिक्रीज हो गया जी, न्यूमरेटर इंक्रीज किया डिनोमिनेटर डिक्रीज किया, तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया ना, हमको लेना क्या है छोटा वाला, हमको छोटा लेना है, तो हो गया ये पार्ट। फिर इन दोनों की बात करें, अगेन न्यूमरेटर इंक्रीज किया, इस तरह से आप स्क्रीन पर फिंगर से क्वेश्चन बनाओगे तभी स्पीड आएगा। अब देखो यहां न्यूमरेटर क्या हो रहा है भैया, इंक्रीज, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिक्रीज, श्योर क्या होगा, ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा ये छोटा होगा, होगा, आंसर क्या होगा, ए स्टेट आंसर हो गया। कितना समय लगेगा बताओ, बस यूज करना सीखना पड़ेगा आपको, जब तक आप यूज करना नहीं सीखोगे तो फिर कहोगे सवाल बहुत हार्ड आता है, लेकिन जब यूज करना सीख जाओगे कंडीशन तो सवाल बहुत, मैंने कहा था फर्स्ट क्लास में भी डीआई का, दो ही केस डीआई का महत्वपूर्ण हुआ है, एक तो बेसिक थ्योरी, बेसिक थ्योरी मैंने 3 चैप्टर, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो और परसेंटेज, चारों का बेसिक थ्योरी मैं दे चुका हूं, जिसमें परसेंटेज वाला पार्ट आप लोग को अपलोड नहीं किया गया है, उसको भी मैं कर दूंगा कुछ दिन के बाद, कुछ दिन नहीं, 1-2 दिन के बाद। रीजन क्या है, उसमें कुछ वीडियो में प्रॉब्लम हुई थी, फिर से उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मैं डाल दूंगा। बट जितना हो गया है उसके बाद फ्रैक्शनल रूल और डिवीजन, यही दो चीज महत्वपूर्ण है। अभी देखो ना जिन जिन सवाल को आप लोग हार्ड कहा था वो सवाल सब बनवाऊंगा आपसे, डिस्कस करूंगा,
तो पता चलेगा यार डिवीजन पर पकड़ है, फ्रैक्शन रूल का कंसेप्ट क्लियर है, सवाल तो आराम से बन रही है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबका, बना लोगे तो बस आज आप लोग इस पर प्रैक्टिस करोगे, देन फिर हम देखेंगे आगे। तो आज सिर्फ और सिर्फ आपको एक पॉइंट दिया गया, फ्रैक्शनल रूल। चलो, थैंक यू।